हेलो फ्रेंड, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बहुत ही अलग वीडियो रहने वाला है। आज हम जानेंगे एक कंपनी के ऊपर, एक कंपनी का स्ट्रगल जानेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट की जो वो है, क्या बोलते हैं, जो ढीलापन है, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट का सीरियस ना लेना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, उसका जो अंजाम है, कैसे एक कंपनी को भुगतना पड़ सकता है, और उन सब चीजों के बावजूद कैसे वो कंपनी जो है वो कभी भी बैक डाउन नहीं करती, वो कंपनी हार नहीं मानती, वो कंपनी का सब कुछ लुट जाने के बावजूद भी वो कंपनी बोलती है कि मेरा सब कुछ भी लुट गया, लेकिन मैं उसके जो लोग थे वो उसके साथ जुड़े रहे, जिसकी वजह से उसने सब कुछ दोबारा पा लिया और आज वो कंपनी दोबारा से स्टैंड हो रही है। तो दोस्तों, ऐसी एक कंपनी की बात करेंगे, ऐसी करेजियस कंपनी के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तो काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के अंदर, सबके अलग अलग, यार हजारों कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्या बोलते हैं इस कंपनी जिसका हम रिव्यू करेंगे, मैं कह रहा हूं ये अच्छी, मैं कह रहा हूं हजारों कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनी है, जिनमें लोग काम कर रहे हैं, और उन कंपनी में लोग काम जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि यार क्या हुआ है, हमारे किन लोगों का त्याग, किन लोगों का बलिदान, मैं एक तरीके से बोलना चाहूंगा कि किन लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया, सो डेट कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनका फायदा हो सके, गवर्नमेंट अपने दिमाग खोले, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को जाने, इस इंडस्ट्री के लिए लॉ लेके आए, इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस लेके आए, तो वो कंपनी उसका स्ट्रगल जानेंगे पूरा का पूरा कि कैसे किया उस कंपनी ने ये सब कुछ। तो दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में हर डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए कि यार क्या है उस कंपनी की स्टोरी। और ये जरूरी इसलिए है दोस्तों, अगर मैं आपके सामने बताना चाहूं कि क्यों मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत बार अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूं कि लोग मेरे से पूछते हैं सर आरसीएम का रिव्यू करो, सर आरसीएम के बारे में बताओ, और नीचे बहुत सारे लोग जिनको क्या तो एजुकेशन नहीं है या वो गधे हैं, नीचे कमेंट लिखते हैं अरे आरसीएम वो कंपनी जो भाग गई थी, अरे आरसीएम वो कंपनी ये तो पहले भी भाग चुकी है। हाँ, इस तरीके की जो फालतू की बातें करते हैं जिनको नहीं पता एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो स्टोरी, वो एक कंपनी का अगर मैं बोलूं तो एक ये स्टोरी नहीं है एक्चुअल में, ये सिंपल स्टोरी नहीं है जो कंपनी की जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूं तो मैं उस कंपनी की द स्टोरी ऑफ अनफ्लिंचिंग करेज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। किसकी? दी आरसीएम। मैं दी इसके सामने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लगा रहा हूं दोस्तों। आपको पता है दी हम बहुत ऐसी जगह पे लगाते हैं जो हमें लगता है कि जो कोई बेस्ट चीज है ना, या बहुत रिस्पेक्टेबल चीज के सामने हम दी लगाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं यहां पे दी आरसीएम लगा रहा हूं, और इसकी जो अनफ्लिंचिंग करेज है, अनफ्लिंचिंग मतलब लाख मुसीबत आ गई यार, सब कुछ लूट गया इनका ना, मतलब एक तरीके से आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट की ना समझी ने इन लोगों को, एक उभरती हुई कंपनी को जो 2011 से पहले जिस स्पीड से ग्रो कर रही थी, आज शायद इंडिया की नंबर वन कंपनी होती, आप समझ रहे हैं, इस उस कंपनी को जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट की ना समझी ने कैसे उस कंपनी को बिल्कुल घुटनों पे ला दिया, कैसे बंद कर दिया उस कंपनी को 11 महीने तक, और वो कंपनी फिर भी अपने एसोसिएट का जो ट्रस्ट था उस कंपनी के ऊपर, उसने बिल्कुल चमत्कार कर दिया, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को झुका दिया, आप समझ रहे हैं, पूरी की पूरी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पूरा का पूरा झुका दिया उन लोगों ने। और लास्ट में जिन लोगों ने बैन किया था, जिन लोगों ने उस कंपनी, जिन लोगों की वजह से उस कंपनी के प्रमोटर्स को अरेस्ट किया जा रहा था, उन्हीं लोगों ने उसी स्टेट में जाके लो लेके आए डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और एक ऐसी जीत पाई जिसकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज काम कर रही है, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, या एक होता ना कि मतलब एक यार ये तो बेसिक चीज है यार, किसी को अगर किसी चीज के लिए, किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, एक इंडस्ट्री के लिए किसी कंपनी का कुछ त्याग है, तो हम उसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दे, उस चीज का हम एटलीस्ट वो तो रखें यार कि हाँ इसने हमारे लिए किया, हम माने तो वो चीज। और उस कंपनी के लिए हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं, वो जो भाग गई थी, वो कंपनी जो पहले भी भाग चुकी है, यार जान लो पूरी स्टोरी। तो आज लोगों के सामने मैं दोस्तों आरसीएम की वो स्टोरी शेयर करने आया हूं जो मुझे लगता है कि हर नेटवर्कर को, हर डायरेक्ट सेलर को, या हर इंडियन को जानना चाहिए। दोस्तों, स्टोरी शेयर करते हैं, आपको बताता हूं कि क्या है ये स्टोरी, जो रियल स्टोरी है अनफ्लिंचिंग करेज की, इसको आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, आरसीएम की। दोस्तों, 1 दिसंबर 2011 को राजस्थान के अंदर गोल्ड सुप का स्कैम होता है, और गोल्ड सुप का स्कैम हुआ तो वही चीज हुई जो
हमारे यहाँ पे होता है, जैसे क्रिप्टो के अंदर हुआ था। क्रिप्टो जुलाई में गवर्नमेंट ने बोला कि क्रिप्टो बैन कर दो, और सितंबर में अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको बाहर भेज रही है सीख के आने के लिए कि अरे पता तो कर गया क्रिप्टो क्या होती है। मेरे भाई जब तुम्हें पता ही नहीं है क्रिप्टो क्या होती है, तुमने क्रिप्टो बैन कर दी, जुलाई में बैन कर रहे हो, सितंबर में सीखने जा रहे हो। भाई पहले जुलाई में सीखने चले जाते ना पहले, सो डेट की जो जितने हमारे आज यंग स्टार्टअप्स, जितने हमारे ब्रिलियंट माइंड्स आज माल्टा में मलेशिया में जाके चले गए हैं, अब उसकी वजह से हमारे देश का लॉस हुआ, हमारे देश का यूथ का, हमारे कंट्री में से विश्वास उठ के उन बेचारों को बाहर जाना पड़ा। आप समझ रहे हैं कि सेम चीज यहां पे हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ कि एक स्कैम हुआ, और आपको बताया हम एक चीज हमेशा से बोलते आए हैं कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज नॉट ए पोंजाई स्कीम, बट अनफॉर्चुनेटली एवरी पोंजाई स्कीम यूजेस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट। मतलब हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई स्कैम नहीं होती, कोई पोंजाई स्कैम नहीं होती, लेकिन हर पोंजाई स्कीम जो होती है वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करती है। यही दुर्भाग्य है इस इंडस्ट्री का। इसकी वजह से ये एक ब्यूटीफुल, एक पावरफुल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे जो प्रमोट करने में परेशानियां आती हैं वो इन सब चीजों की वजह से आती हैं। तो सेम चीज का एक लाइव एग्जांपल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। 1 दिसंबर 2011 को गोल्ड सुक का स्कैम हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला पकड़ो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सबको पकड़ो, सबको अरेस्ट करो, सबको बंद करो। क्यों? क्योंकि स्कैम हुआ था। स्कैम और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास ना कोई लॉ था, लॉ तो आज भी नहीं है, ना कोई गाइडलाइन थी। जब कोई लॉ ही नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं है, तो एक चीज स्कैम है, एक चीज पावरफुल और ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो पकड़ लो सालों को। समझ रहे हो मतलब ये हरकत है मोदी की बोली। आप 1 दिसंबर 2011 को स्कैम हुआ, 9 दिसंबर 2011 को आरसीएम के खिलाफ पुलिस एक्शन हो गया, लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट हुआ, प्रमोटर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट हुआ, सब कुछ स्टार्ट हुआ। किसके तहत? सुओ मोटो करके एक चीज होती है, एक कंसेप्ट सुओ मोटो लोग अगर आप पढ़ोगे आप इसके बारे में, तो दोस्तों सुओ मोटो क्या होता है, एक तरीके से पुलिस को अगर लगता है कि कोई कंप्लेंट नहीं होती, आप ध्यान से सोचिए कि किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की थी आरसीएम के अगेंस्ट। सिंपल क्या हुआ था, सुओ मोटो लॉ जो है हमारा उसमें क्या होता है, ऑन इट्स ऑन मोशन, मतलब अगर पुलिस को लगता है किसी टाइम पे कोई स्कैम और पुलिस को लगता है कि इससे रिलेटेड काम कोई भी कंपनी कर रही है, वो उसको अपनी तरफ से बंद करना चाहे, चाहे कंप्लेंट ना हो, वो अपनी तरफ से एफआईआर करके उसको बंद कर सकती है। सुओ मोटो होता है कि यार हमें लग रहा है कि ये भी हो सकता है, चाहे कंप्लेंट नहीं आई है लेकिन हमें लग रहा है। तो उसके तहत इनको लगा स्कैम हुआ है गोल्ड सुक का, हमें लग रहा है जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो भी ऐसी ही होती हैं जो लीगल तरीके से काम कर रही हैं, और लीगल उस समय कुछ होता ही नहीं था क्योंकि ना गाइडलाइन थी ना लॉ था, तो क्या है सबको पकड़ना शुरू कर दिया। 2011 9 दिसंबर को आरसीएम के पुलिस एक्शन हुआ, सबको पकड़ना बंद कर दिया। इसके बावजूद आप समझ रहे कंपनी रातों रात बंद करा दी गई, जिसमें हजारों लाखों लोगों का घर चल रहा है, जिसके थ्रू उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, और सबसे बड़ी चीज जिस कंपनी की कोई गलती नहीं, जिस कंपनी की कोई मिस्टेक नहीं, गवर्नमेंट की गलती की आज तक इस इंडस्ट्री के ऊपर लोड नहीं लेके आई, गवर्नमेंट की गलती, गवर्नमेंट की मिस्टेक, गवर्नमेंट का इस इंडस्ट्री के की तरफ एक जो नजरिया है, जो इसको हमेशा इग्नोर करने का नजरिया है, जो कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देने, मतलब जॉब मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली है एक तरीके से, इस प्रोफेशन के थ्रू सबसे ज्यादा लोग एक आने वाले टाइम में क्या बोलते हैं अर्न करेंगे, इस प्रोफेशन की तरफ जो एक नजरिया है ना गवर्नमेंट का, जो केयरलेस नजरिया है, इसका आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों समझ रहे हो कि इस केयरलेस नजरिए की वजह से 9 दिसंबर को आरसीएम बंद करा दी गई। इसके एसोसिएट ने हार नहीं मानी, आप समझ रहे हैं, दिसंबर को बंद हुई, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी कंपनी में किसी को एक रुपया नहीं आया, कंपनी बंद हो गई, किसी को किसी का कुछ नहीं पता, प्रमोटर भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस उनको पकड़ रही है जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद सारे के सारे लोगों ने, इन्होंने बोला नहीं हार नहीं मानेंगे, हार बिल्कुल नहीं मानेंगे, गलत नहीं है, गलत वो कंपनी थी, लेकिन वो कंपनी और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, गलती नहीं मानेंगे, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे जब तक गवर्नमेंट अपने घुटनों पे ना आ जाए। जैसे गवर्नमेंट इस कंपनी को अपने घुटनों पे लेके आ गई ना, इन्होंने बोला कि एक घुटना जमीन पे था, तो इन्होंने बोला कि भाई हम अपना एक घुटना जमीन से उठाएंगे और खड़े होंगे, जैसे जैसे हमारा एक घुटना ऊपर उठेगा गवर्नमेंट का एक घुटना नीचे गिरा देंगे, लेकिन हम अपने आप को, जिसने हमें गिराया है, हम उसको गिरा के गाइडलाइन जरूर लाएंगे, हम इस कंपनी को जरूर शुरुआत कराएंगे, दोबारा से जरूर इसको मतलब एक तरीके से स्टार्ट करवा के छोड़ेंगे। तो दोस्तों देख रहे हो 2, 3 और 4 मार्च को 3 दिन तक इन लोगों ने जंतर मंतर पे अपना पूरा का पूरा धरना दिया,
फिर जंतर मंतर पे इन लोगों को बोला गया कि जंतर मंतर पे धरना देना इतना ज्यादा अलाउड नहीं होता था, फिर भी ये लोग 3 दिन तक डटे रहे वहां पे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि रामलीला मैदान में, जब जंतर मंतर में इनकी बात नहीं बनी, किसी ने नहीं सुनी, उसके बाद क्या किया गया, 16, 17 और 18 मार्च को फिर से ये लोग मिले, फिर से 10,000 से भी ज्यादा लोग रामलीला मैदान में 3 दिन तक। फुटपाथ जो है ना रामलीला मैदान का, आप इसको गूगल करना, आपको पता लगेगा स्टोरी कि रामलीला मैदान के अंदर नहीं घुसने दिया गया, परमिशन नहीं मिली, तो रामलीला मैदान के चारों तरफ 10,000 से ज्यादा लोग वहीं पे रहे, वहीं पे सोए, वहीं पे खाना खाया, लेकिन ये सारे के सारे 3 दिन तक रामलीला मैदान के वहां 10,000 से ज्यादा RCM के कार्यकर्ता, RCM के प्रमोटर डटे रहे। और आप सोच रहे हो ये वो लोग हैं जिनको 4 महीने से पैसा नहीं मिला, जिनकी कंपनी बंद हो गई, इन्होंने कंपनी को नहीं छोड़ा, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गालियां नहीं दी, क्योंकि गालियां देने वाले उस समय जो लोग थे वो आज भी कुछ नहीं कर पाए, आप समझ रहे हो, वो आज भी गालियां ही दे रहे हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, कोई चीज अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है, कुछ चीज हो रही है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम ना कंपनी को ब्लेम करेंगे, हम क्योंकि कंपनी की गलती ही नहीं है, इन्होंने कंपनी के साथ जुड़े रहे, कंपनी के साथ डटे रहे। और इन्होंने बोला कि ये इंडस्ट्री को चाहे गवर्नमेंट इस समय सपोर्ट ना कर रही हो, नॉर्मल लोग तो करते ही नहीं थे, आपको पता है आज के डेट में भी 90% लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी थी इस इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि उस समय ये सब स्कैम हो रहा था। तो इस स्कैम की वजह से जनरल लोगों ने भी एक धारणा बना ली कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब स्कैम, गवर्नमेंट ने भी धारणा बना ली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब स्कैम, बट ये लोग डटे रहे। इन लोगों ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम मतलब कुछ भी हो जाए, मैंने बताया ना कि हमारा अगर एक पैर घुटना, अगर इन्होंने जमीन में गवर्नमेंट की गलती से हमारा एक घुटना जमीन में टिका है, तो अपना जब उठेंगे, अपना पैर को उठाएंगे, तो साथ साथ गवर्नमेंट का एक झुकना घुटना भी जमीन में टच करवाएंगे। गलती उनकी है, हमारी नहीं है, हम नहीं सहेंगे। गवर्नमेंट अगर अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकती टाइम टू टाइम, अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं कर सकती, अपने ऑफिसर्स को एजुकेट नहीं कर सकती, तो वो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, और उससे हम सफर नहीं करेंगे। दोस्तों 16, 17, 18 मार्च को 3 दिन तक रामलीला मैदान में हुआ। सिर्फ एक डिमांड थी इनका, ये डिमांड नहीं थी कि RCM दोबारा ओपन हो, इनकी डिमांड क्या थी कि MLM के ऊपर लो आए, MLM के ऊपर गाइडलाइंस आए, लो आए, ताकि MLM इंडस्ट्री को लोग स्कैम से डिफर कर सकें, लोग जान सकें कि आज जो इन सब स्कैम्स की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बदनाम हो रही है, तो लोग जान सके कि यार MLM डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो टोटली डिफरेंट है, और स्कैम टोटली अलग चीज होती है, डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज होती है। ये डटे रहे, उसके बाद रामलीला मैदान में कुछ नहीं हुआ, तो ये वो लोग वापस आए, आप समझ रहे हैं, 3-4-5, 3 दिन यहां, फिर 3 दिन यहां, 19 से लेके 28 मार्च तक 2000 ये है 12 की बात, आप सॉरी 2011 की बात, 19 से लेके 28 मार्च 2011 तक 10 दिन तक ये लोग दोबारा से, दोस्तों समझ रहे हैं आप, दोबारा से ये लोगों की एक ही डिमांड थी MLM पे लो आए, दोबारा से ये लोग 10 दिन पे फिर से जंतर मंतर पे चले गए ये लोग, और 10 दिन इस बार ये लोग जंतर मंतर पे रहे। और मैंने बोला था ना कि इनका एक घुटना टिकाया तो अपने आप को तो खड़ा करेंगे ही करेंगे, गवर्नमेंट का एक घुटना जरूर टिकाएंगे, जब तक ये चीज शुरुआत हो चुकी थी। इस पहली बार ये लोग जंतर मंतर पे 3 दिन के लिए गए, कोई नहीं आया, दूसरी बार ये 3 दिन के लिए रामलीला मैदान गए, 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, कोई नहीं आया, लेकिन जब इस बार ये दोबारा से गए 10 दिन के लिए जंतर मंतर पे डटे रहे, तो उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी, शहनवाज हुसैन जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, जो उस समय के एमपी थे, ये सारे के सारे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इंदर सिंह नामधारी जी, जो ये सारे के सारे बड़े बड़े नेता, अगर समाज सेवी की बात करो तो मेधा पाटकर जी, ये सारे के सारे लोग मिले RCM के कार्यकर्ताओं से। इन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप लोग यहाँ पे बैठे हो, क्या है, होता क्या है, तो इन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी के ऊपर अगेंस्ट एक्शन ले लिया, हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर एक्शन ले लिया, जबकि स्कैम और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क होता है, गवर्नमेंट की गलती, गवर्नमेंट की केयरलेसनेस की सफर कर रहे हैं हम सारे के सारे लोग, लाखों लोग जो RCM के अंदर अर्न कर रहे थे, लाखों लोग जो RCM में बता रहा हूं एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही थी, उसकी एक ऐसी कंपनी जो ऐसे ग्रो कर रही है, आप उसको सीधा जीरो लेवल पे ले आओ, आप समझ रहे हैं उनका पेन। तो इन लोगों ने जब पूरा का पूरा वो चीज एक्सप्लेन की, इन सब लोगों को एक्सप्लेन की, उसके बाद इन्होंने बोला कि यार यहां तो काम नहीं पड़ेगा, किया किसने है ये सारा का सारा, राजस्थान गवर्नमेंट ने, वहीं चलो, अब तो वहीं जाएंगे, उनके गढ़ में बैठेंगे और वहीं से
लोग निकलवा के छोड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 7 मई 2012 को, अब 12 आ चुका था, आप समझते हैं, 11 से स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर से, अब आ गया 7 मई 2012 से लेके 7 अक्टूबर 2012 तक। दोस्तों ये होता है 5 महीने इन लोगों ने उद्योग मैदान जयपुर के अंदर, आप समझ गए, 5000 से ज्यादा आरसीएम के प्रमोटर, 5 महीने तक आप सोच रहे हो कि 5000 से ज्यादा आरसीएम के प्रमोटर एक मैदान में डटे रहे। कई लोगों ने अनशन कर रखा था, कई लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली इतने दिनों तक कि जब तक आंखों से पट्टी नहीं निकालेंगे, जब तक गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं लाएगी, तो इस तरीके का माहौल, 5000 से ज्यादा लोग वहां पे बैठे हुए और एक ही डिमांड है कि इंडस्ट्री के लिए लो लेके आओ। तो कंपनी की डिमांड क्या थी, इंडस्ट्री के लिए लो लेके आओ, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, सो डेट कि ऐसी चीज दोबारा ना हो। इस कंपनी का जॉब समझ रही कि पेन के अंदर भी इंडस्ट्री के लिए सोच रही है कि हमारे लिए यार हमने जो सहा वो तो ठीक है, बट मतलब लो तो आए सो डेट किसी और कंपनी को या हमारे को मतलब ये सब चीज दोबारा ना सहनी पड़े, एक लो लेके आए ये लोग। तो दोस्तों फिर इनसे अशोक गहलोत जी मिले, उस समय के जो वहां के सीएम थे, दोबारा इनसे मिले कि यार ठीक है क्या हुआ बताओ। तो इन्होंने बोला सर यही हुआ कि एक घुटना हमारा नीचे टिका दिया था और अब हम अपना घुटना उठाएंगे, कैसे भी हो जाए हम अपना नीचे टिकने नहीं देंगे, अपनी कंपनी को दोनों घुटने नहीं टिकने देंगे सर, क्योंकि दोनों घुटने तब टिकते हैं जब प्रमोटर भी हट जाए, सब हट जाए, तो वो नहीं होने देंगे सर। हम लोग आपकी गलती से हम बहुत सह चुके लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम सही हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सही इंडस्ट्री है, एक पावरफुल, एक ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को बिना सोचे समझे आपने एक ऐसा एक्शन कैसे ले लिया, 5 महीने के बाद आप दोस्तों समझ रहे हैं उद्योग मैदान में इनका क्या स्ट्रगल रहा होगा इस कंपनी का। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने 5 अक्टूबर 2012 को राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की, राजस्थान गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस। आप समझ रहे हैं कि स्टोरी देखो अपना कहां से स्टार्ट हो रही है, पूरे के पूरे 11 महीने आप समझ रहे हैं कि 1 दिसंबर 2011 से लेके 5 अक्टूबर 2012 तक अप्रोक्सीमेटली 11 महीने का स्ट्रगल, 11 महीने तक लोगों के पास पैसा नहीं आया, लोगों का घर नहीं चल रहा है, लोग लेकिन डटे हुए हैं अपनी कंपनी के साथ और लोग कह रहे हैं कि मतलब नहीं गिरने देंगे अपनी कंपनी को दोबारा से उठा के छोड़ेंगे। और इस समय क्या हुआ, अब आप समझ रहे हो इस समय क्या हुआ कि इस कंपनी की वजह से, ये सारा के सारा स्ट्रगल की वजह से 2012 को 5 अक्टूबर को राजस्थान गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम अपनी गाइडलाइन इशू करती है और कंपनी 7 तारीख को वहां पे धरना खत्म करती है और 8 तारीख से कंपनी अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ये है इसकी करेज, और इसलिए मैं बोलता हूं कि दी आरसीएम की दोस्तों स्टोरी ऑफ अनफ्लिंचिंग करेज कि हमें जानना चाहिए यार, हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो यार, जानो तो किसी को, सो डेट कि हमें पता तो हो, हम तभी तो एजुकेटेड कहलाएंगे। हम इंडस्ट्री के बारे में ये नहीं जानते कि यार किसका क्या रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर, और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये सारी की सारी चीजें। और आप खुद सोचो कि इकलौती ऐसी कंपनी आप समझ रहे हैं जो डटी रही, जिसकी वजह से लो आए 2012 के अंदर और यही आगे जाके 2016 के अंदर फिर पूरे इंडिया लेवल पे लो लेके आया गया मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा स्टोरी है कि 11 महीने ये कंपनी भागी नहीं थी। और मैं आपको एक चीज और बोल देता हूं, जो फालतू की बकवास करते हैं ना कि आरसीएम भाग गई थी या ये वो कंपनी है जो एक बार भाग चुकी है पहले भी, उन लोगों के मैं बताना चाहूंगा कि इकलौती ऐसी कंपनी है जो खड़ी रही, यही एक ऐसी कंपनी है जो कभी नहीं भागी, जो मैदान छोड़ के भागी ही नहीं, जो सामने आ गई और बोला कि हम लड़ेंगे गवर्नमेंट से और हम अपनी कंपनी को दोबारा उठाएंगे और गवर्नमेंट के घुटना नीचे टिका देंगे लेकिन गाइडलाइन जरूर लेके आएंगे। और ये गाइडलाइन लाना ना दोस्तों, यही था इस कंपनी की अचीवमेंट, इस इंडस्ट्री के लिए इस कंपनी का जो ये योगदान था, ये योगदान हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो हम या काम ना कर रहे हम एज ए इंडियन ना, हम लोगों को इस कंपनी को हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए कि यार इसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग हैं उस चीजों को, इस चीज को जरूर हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं आरसीएम की स्टोरी और आपको बता सकूं कि कैसे अगर आप सही हैं और आपके लोग आपके साथ हैं तो आपको चाहे आपके अगेंस्ट पूरा देश हो जाए चाहे पूरे देश की गवर्नमेंट हो जाए लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी बशर्ते आप सही हो। तो दोस्तों थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सो डेट की आरसीएम की जो स्टोरी है वो हर इंडियन को पता लग सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।